अपराधों की रोकथाम करने चलाई जा रही मुहिम के तहत जिला पुलिस कप्तान के विशेष निर्देशों के चलते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद के निर्देशन एवं एसडीओपी ब्यावरा श्रीमती किरण अहिरवार के मार्गदर्शन में थाना ब्यावरा शहर क्षेत्र अंतर्गत आरोपियों के धरपकड़ करने का सघन प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पुलिस के हत्थे चढ़े डकैती की तैयारी करते बदमाश पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की बना रहे थे योजना। मुखबिर की सूचना पर दी गई दबिश में 3 मोटरसाइकिल सहित 1 तलवार, 1 फरसी एवं 2 छुरे जब्त, करीब 2 लाख का मशरूका लिया कब्जे में। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि छोटे लाल मिस्त्री की बंद दुकान के बाहर टिनशेड के नीचे 6 आदमी बैठे हैं, जहां 3 मोटरसाइकिल खड़ी है। बैठे व्यक्तियों के पास हथियार, लाठी वगैरह है, जो मुंद्रा पेट्रोल पंप लूटने की बात कर रहे थे। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 399, 402 भारतीय दंड विधान एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। द्वारा लगातार हमें निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्र में जो आपराधिक गतिविधियां को नियंत्रित किया जाए, जिसमें एसपी सर एवं एसडीपी मैडम भी हम लोगों को मार्गदर्शन के लिए करती रहती है। कल हमें सूचना प्राप्त हुई कि 6 लोग हैं जो गुना रोड पर बैठकर एक घटना घटित करने के लिए योजना बना रहे हैं, जिनके पास हथियार भी हैं, चाकू, तलवार, डंडे, फरसी वगैरह लेकर बैठे हुए हैं और वो पेट्रोल पंप पर, मुंद्रा पेट्रोल पंप पर घटना करने की योजना बना रहे हैं। इस पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया और टीमें बनाई गई। 3 टीम बनाकर हम लोगों के द्वारा रवाना की गई, घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के दौरान वहाँ पर हमें 6 व्यक्ति मिले, 3 मोटरसाइकिलें मिली, जिनको घेराबंदी करके पकड़ा। जो मुंद्रा पेट्रोल पंप के यहाँ जाकर उसके यहाँ घटना रूट की वारदात करने की योजना बना रहे थे, इसमें 6 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक रितेश जोगी है, अशोक बेलदार है, राजू शर्मा है, भगवान सिंह जाटव है, दीपक कुशवाहा है और एक बाल अपचारी भी उनके साथ में हमारे द्वारा अभिरक्षा में लिया गया है। इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और इनके विरुद्ध अपराध धारा 399, 402 भारतीय के अंतर्गत अपराधी पंजीकृत किया गया है। इन लोगों के द्वारा रतलाम एवं उज्जैन क्षेत्र से भी मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातें कबूल की हैं और भी इसमें इन लोगों के विरुद्ध पूछताछ की जा रही है।